गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज सुरभि सुमन फ्रॉम आवर टीम द रेड फाइट। हमने क्लास सिक्स का बॉडी एंड मूवमेंट स्टार्ट किया था। हमने ऑलरेडी दो लेक्चर कवर अप कर चुके हैं हम लोग, और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। और इस आज ये हम चैप्टर को एंड करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा, हमने जॉइंट्स को देखा, और आज हम पूरे 206 बोन्स को देखने वाले हैं। ठीक है ना, ये आप सोच रहे होंगे ना कि ये सिर्फ पार्टिकुलरली सिक्स के बच्चों का टॉपिक है। नहीं, ये सारे बच्चों के, क्योंकि हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं, कौन से हमारे शॉर्टेस्ट बोन्स हैं, कौन से लॉन्गेस्ट बोन है, ये सारे लोग को पता होना चाहिए। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताना की कोशिश करूंगी कि आप किसी को बता सको, हाँ बताओ लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, शॉर्टेस्ट बोन कौन सा है, तब तो पता चलेगा ना। मुझे दिखाना भी है, मुझे तुमसे ज्यादा आता है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, जब आप ये बहुत अच्छी तरीके से लास्ट तक लेक्चर देख लोगे, सारे बोन्स को सीख लोगे, और फिर अपने भाई बहन छोटे हो बड़े हो सबसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे। और आप क्या कर रहे हो, बस क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, अपना रिवीजन भी कर रहे हो, और आप साइड से याद भी करते जा रहे हो। बिल्कुल डबल ट्रिपल फायदा ले लेना है बिल्कुल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 206 बोन्स से। ठीक है, तो देखो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था हमारे हाथ और पैर में कितने कितने बोन्स होते हैं। एवरीवन दम ध्यान से अपने अपने मन में सारे लोग सोचो, हमारे एक हाथ में 30 बोन्स, दूसरे हाथ में 30 बोन्स, 30 + 30 कितने हो गए, 60 बोन्स हो गए। ठीक है, हमारे एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30, जस्ट काउंट करो सारे लोग जल्दी। हमारे एक हाथ में 30 बोन, दूसरे हाथ में 30 बोन, ठीक है कितने हो गए, 60 बोन्स हो गए। 30 + अच्छा मैथ भी यूज करो, कम ऑन एवरीवन, 30 + 30 कितने हो गए, 60 हो गए। हमारे एक पैर में फिर 30 बोन, तो कितने हो गए, 60 + 30 90 बोन, और 90 फिर हमारे दूसरे पैर में 30 बोन, तो कितने हो गए, 90 + 30 120। ठीक है, 120 बोन्स हो गए सिर्फ आपके हाथ और पैर मिला के आउट ऑफ 206 बोन्स। 206 बोन्स जो हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं, उसमें से 120 बोन्स जो हैं, वो हमारे हाथ और पैर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन के बारे में आप लोगों को बताया था। एक्सियल स्केलेटन ये होता है, और अपेंडिकुलर जो होता है साइड वाला, ठीक है, जिसे हमारे लिम्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हमने एक्सियल स्केलेटन में किसको किसको इंक्लूड किया था, अगर नहीं ध्यान है तो प्लीज थोड़ा सा लेक्चर नंबर 2 में जाकर रिकॉल कर लेना सारे लोग। ठीक है, तो हमारे सॉरी एक्सियल स्केलेटन में हमने किसको रखा था, हमने अपने स्कल को रखा था, हमने स्टर्नम को रखा था, हमने रिब्स को रखा था। ठीक है, हमने ये सारे चीजों को रखा था उसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, ये सारे चीजें हमने देख चुके थे हम लोग। ठीक है ना, फेशियल बोन्स को भी हमने क्या रखा था, हमने एक्सियल स्केलेटन में ही रखा था। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, काउंट करो सारे बोन्स को, हमें काउंट करना है। ठीक है, तो जो हमारा ये फेस है, ठीक है ना, हमारे फेस में 14 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, वो कोई भी सुंदर हो या बदसूरत हो, ठीक है ना, डजेंट मैटर, सारे में 14 ही बोन्स होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सुंदर है तो उसमें 14 और जो सुंदर नहीं है उसमें 6, 5, 4 इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, नहीं, सारे में 14 बोन्स ही प्रेजेंट होते हैं फेस में। ठीक है, चलो तो आज घर में बस अपने भाई बहन से पूछना है, कट ऑफ हमारे फेशियल रीजन में कितने बोन्स होते हैं, दे आर 14 बोन्स। ठीक है, हमारे फेस वाले रीजन में 14 बोन्स होते हैं। ठीक है, अब जो आता है हमारे क्रेनियल की बात होती है। ठीक है ना, क्रेनियल मीन्स ब्रेन का कवरिंग जो होता है ना, उसको क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो जो होते हैं उसमें कितने बोन्स होते हैं, 8 बोन्स होते हैं। ठीक है, तो कितने बोन्स हो गए हमारे ब्रेन के कवरिंग में, ब्रेन जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है उसी की कवरिंग की बात हो रही है। ठीक है ना, जो बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हो, उसको एक बॉक्स में स्टोर करके रखे हुए हो, ठीक है ना, तो उसको जो प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो कितने बोन्स मिलके उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 8 बोन्स मिलके उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे फेस में 14, हमारे क्रेनियम में 8 बोन्स। ठीक है, अब आते हैं, चलो कान के ऊपर आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग, कान वाला तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है ना,
मैंने आपको एक स्केलेटल भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये भी थोड़ा सा देखते देखते चलना, ठीक है ना। मैंने अस्कल भी आपको दिखाया है, ठीक है। और ये सारे जो बोन्स भी होंगे ना, अब बोन्स के नाम अभी सिक्स स्टैंडर्ड में ना थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत हाई लेवल हो जाएंगे, आप सो जाओगे लेक्चर के दौरान। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ पे आए और एक नींद लेके चले जाएं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए आई हूँ, सुलाने के लिए नहीं। इसीलिए बस आप ध्यान रखना कि 8 बोन्स होते हैं, उसके नाम अभी आप थोड़े हायर में जाओ तो अच्छी तरीके से क्लियर करना, ठीक है। बस अभी के लिए 8 बोन्स, फेस में 14 बोन्स, ठीक है। तो जो आपको दिखा है ना खोपड़ी का फोटो, ठीक है ना, उसके बोन्स पे मत जाना, बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है ना। मैंने बस आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब जो आते हैं हम लोग किसके ऊपर, अपने कान के ऊपर, ठीक है ना, ईयर के ऊपर। तो एक हमारे कान में कितने बोन होते हैं, 3, 3 बोन्स इन वन ईयर। एक कान में 3 बोन होते हैं जिसका नाम मैं बोल दे रही हूँ, भूलना होगा तो भूल भी जाना, ठीक है ना। आपके लेवल की उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैलिकस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है, 3 बोन हमारे कान में पाए जाते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट बोन होता है वो हमारे कान में ही पाया जाता है, जिसका नाम होता है स्टेप्स। ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये तो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, कोई भी आया अपना इंप्रेशन जमाने के लिए आपसे ये क्वेश्चन, चलो बोन्स पढ़े हो ना बताओ ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल है, कोई भी पूछ सकता है, इसलिए बिल्कुल मेरे नाक मत कटवाना, ये याद रख लेना, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, एक कान में 3 बोन होते हैं, मैलिकस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। और हमारा शॉर्टेस्ट बोन जो होता है वो कान में ही पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम स्टेप्स होता है, ठीक है। अब जो होता है एक हायोड बोन होता है जिसको हम लोग टंग बोन भी बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हायर बोन जिसको हम लोग टंग बोन भी कहते हैं, इतना तो हमारा क्लियर हो गया, इतने बोन्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेट भी होना पड़ेगा, एक्सरसाइज मोड में आना पड़ेगा, ठीक है। अब जो होता है ये हमारा जो चेस्ट बोन होता है, ठीक है, ये जो होता है ये बीच वाला जो होता है इसको स्टर्नम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। और नंबर कितने हैं, 1, ठीक है, एक स्टर्नम यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है अब हम रिब्स की बात करते हैं, ठीक है, ये रिब्स देखो, मैंने रिब केज का फोटो भी लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, उससे इमेजिन करना बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। ये इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने ये फिगर ऐड किया है कि बच्चे सो ना जाएं, ठीक है। अब देखो ये रिब्स हो गए हमारे, ठीक है। अब रिब्स जो होते हैं उसे उसको ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब में रखा गया है। अब ये ट्रू रिब्स क्या होते हैं, फॉल्स रिब्स क्या होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। अब देखो ट्रू रिब्स, अब पहले तो नंबर्स सॉरी मैं भूली गई नंबर्स बताना आप लोगों को। रिब्स जो होते हैं वो 24 इन नंबर्स होते हैं, तो जल्दी बता दो पेयर्स कितने होंगे, अपने मन में बोल दो, मैं सुन तो नहीं रही हूँ बट बोल दो, नहीं भी बोलोगे तो लगेगा कि हाँ बोल ही दिया आप लोग, ठीक है। तो 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, और 24 इन नंबर्स, ये हमेशा याद रखना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे नंबर्स पेयर्स में, ठीक है, 24 इन नंबर्स एंड 12 इन पेयर्स, ठीक है ना। अब जो है अब देखो स्टार्टिंग 1 से लेके 7 तक जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं। ट्रू रिब्स कहने का मतलब क्या है, ठीक है, देखो अगर वो वेंट्रली अटैच रहे हमारे इस तरीके से चेन बना के अटैच होता है ना, इस तरीके से ऐसे घूम के, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, देखो ये क्या होता है, ये इस तरीके से अटैच रहता है, ऐसे घूम घूम के ऐसे इस तरीके से अटैच रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब अटैच रहता है तो क्या होता है, अगर वो वेंट्रली स्टर्नम से और डॉर्सली आपके वेंट्रल कॉलम से, जो बैकबोन जिसको कहते हो, अगर उससे अटैच हुआ तो दे आर ट्रू रिब्स, ठीक है। वेंट्रली आपके स्टर्नम से अटैच होना चाहिए और डॉर्सली किससे अटैच होना चाहिए, सॉरी वर्टिबल कॉलम से, ठीक है। तो दे आर ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स क्लियर हो गए। और ट्रू रिब्स के नंबर कितने होते हैं, 1 से 7 तक जो होते हैं वो हमारे ट्रू रिब्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉल्स रिब पे, 8, 9, 10 दे आर फॉल्स रिब, 8, 9, 10 आर फॉल्स रिब, ठीक है ना। फॉल्स रिब में क्या होता है, देखो सॉरी
सातवां जो नंबर था वो अटैच था स्टर्नम से और वेंट्रल कॉलम से, वेंट्रल कॉलम से, ठीक है। अब जो है वो 8, 9 और 10 जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होगा, वो सातवें नंबर रिब से जाके अटैच हो जाएगा। ध्यान से फिर से, ठीक है, देखो मान लो कि ये स्टर्नम है, ठीक है ना, ये स्टर्नम है और सारे 1 से 7 तक बोन्स यहाँ पे अटैच है, ठीक है, सॉरी रिब्स अटैच है, सॉरी मैंने बोन्स बोल दिया, ठीक है। अब रिब्स अटैच है, ठीक है। अब जो आठवां रिब्स होगा वो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं अटैच होगा, वो आएगा और 7th नंबर बोन से अटैच हो जाएगा। इट मीन्स वो डायरेक्टली इसको नहीं टच करेगा, यहाँ पे जो 7th नंबर बोन अटैच था वो डायरेक्टली आके 7th नंबर बोन से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो दे आर फॉल्स बोन, फॉल्स रिब्स, सॉरी बोन्स मैं बोल दे रही हूँ बार बार, ठीक है ना, फॉल्स रिब्स, ठीक है। अब हम आते हैं फ्लोटिंग रिब्स पे। तो फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं, ठीक है ना, वो किसी से अटैच नहीं होते। ट्रू रिब्स क्या थे, वो स्टर्नम से अटैच थे। फॉल्स रिब क्या थे, 7th से अटैच थे, वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं थे, ठीक है। और अब जो होगा वो हमारा फ्लोटिंग रिब्स जो होगा वो किसी से अटैच नहीं होगा, मतलब एक साइड से तो वो वेंट्रल कॉलम से अटैच है बट दूसरे साइड से वो किसी चीज से अटैच नहीं है। इट मीन्स क्या वो एकदम बिल्कुल टंगल जैसा होगा, फ्लोट करते रहेगा, दैट्स व्हाई दे आर फ्लोटिंग रिब्स। वो किसी से अटैच नहीं है, ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो इस तरीके से फ्लोट करते रहेगा, दैट्स व्हाई दे आर फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। समझ में आ गया रिब्स, ठीक है। अब हमारा रिब्स क्लियर हो गया, ठीक है, हमारे स्कल क्लियर हो गए, हमारे फेशियल बोन्स क्लियर हो गए, हमारे ईयर के बोन्स क्लियर हो गए, ठीक है, हमारे रिब्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब जो है वो हम आते हैं वेंट्रल कॉलम में। वेंट्रल कॉलम क्या होता है, बैक बोन, ठीक है ना, जो हमारे पीछे प्रेजेंट है, बैक बोन, ठीक है। और बैक बोन जो होता है ना वो आप नोटिस करोगे, देखो मैंने यहाँ पे इमेज ऐड किया है वेंट्रल कॉलम का, ठीक है। अब देखो बैक बोन जो क्या होता है ना वो हॉलो होता है, हॉलो होता है, हॉलो क्यों होता है, उससे स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड उससे पास होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, दैट्स व्हाई वो जो होता है वो हॉलो रीजन से पास होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब जो देखो वेंट्रल कॉलम के कितने नंबर्स होते हैं, 26 नंबर्स होते हैं। और मैं बता दूं ये थोड़ा सा मैटर करता है अडल्ट में और बच्चों में, कुछ बोन्स जो होते हैं वो फ्यूज फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ बोन्स जो होते हैं वो फ्री में पाए जाते हैं, वो बच्चों में और बड़ों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। बट ये आपके लेवल में अभी नहीं जानना है, ठीक है ना, मैं आप ऐसा नहीं, ऐसा आपको कुछ इतना ज्यादा हायर नहीं बताना चाहती कि आपके दिमाग से बिल्कुल हैंग होने लगे आपका इंटरेस्ट मैं नहीं कम करना जाती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ जो है वो अभी इतना ही, और जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे और अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो वेंट्रल कॉलम क्लियर हो गया, 26 बोन्स हमारे रिब्स में कितने बोन्स थे, कम ऑन एवरीवन, 24 इन नंबर्स, 12 इन पेयर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने तो ये वाला सारा हिस्सा कवर अप कर लिया, ठीक है। अब हमारे बोन्स के काउंट जो होते हैं वो खत्म होते हैं। मेरे ख्याल से आप पूरी अच्छी तरीके से बोन को क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। अब थोड़ा और मन नहीं भरा इतने से, थोड़ा और चाहिए, ठीक है, थोड़ा और। मैं देखो लॉन्गेस्ट बोन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कोई भी अगर किसी को भी बोलोगे कि मैंने बॉडी मूवमेंट पढ़ा है तो एक शॉर्टेस्ट बोन वाला क्वेश्चन आएगा आपके पास, और एक आएगा लॉन्गेस्ट बोन वाला क्वेश्चन। चलो लॉन्गेस्ट बोन बताओ, तो लॉन्गेस्ट बोन क्या होता है, हमारा फीमर जो कि पैर में पाया जाता है। इमेज देखो यहाँ पे फीमर, थोड़ा सा जूम करके फीमर को देखो कहाँ पे पाया जा रहा है, जिसको थाई बोन भी बोलते हैं, थाई बोन, ठीक है। दे आर द लॉन्गेस्ट बोन, वो हमारा लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, समझ में आ गया, मैं यही बताना चाहती थी लेग में आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा हाथ में आ जाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा सारे बोन्स को मैं आपको नाम नहीं बताने वाली, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं सुलाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि हमारे उंगलियों में कितने बोन्स होते हैं, 14 बोन्स होते हैं, हमारे उंगलियों में 14 बोन्स होते हैं, ठीक है ना, हाथ जो उंगली घुमा रहे हो 14 बोन्स होते हैं हमारे उंगली में। यहाँ पे मैंने देखो हाथ का वाली भी फिगर ऐड कर रखी है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोग का ये चैप्टर फिनिश करने का टाइम आ चुका है, तो प्लीज एवरीवन अगर कोई भी डाउट हो तो बेहिचक पूछो, मुझे भी लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, क्वेश्चन सॉल्व करना, अपने बुक को देखना एक बार, ठीक है,
Thank you.